हमने इससे पहले फ्रंट ब्रेक का बताया था मेरे दोस्त, अब हम ये रियर ब्रेक का बता रहे हैं। तो मेरे सामने ये बाइक है, इसका पहिया जाम हो रहा, पहले हम आपको दिखाते हैं फिर किस तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हो अब आपको बताते हैं। भैया चलाइए भैया, ज़रा देखिए मेरे दोस्त, यानी ये जाम चल रहा है। ठीक भैया, एक बार ब्रेक लगाइए, डिस्क ब्रेक लगा दीजिए, लगा देने पर और जाम हो जाता है, एक बार लगा दिया तो फिर और जाम हो जाता है। देखिए अब ये चलना चाहिए तो वो चल नहीं रहा, ताकत लगा के चला रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से फ्री करना है हम आपको बताते हैं। मेरे दोस्त इसको खोलते हैं, भैया देखिए खुल गया है, और इसको ये निकालते हैं, निकाल करके फिर आपको बताते हैं कैसे खोला जाता है पूरी तरह से, एक एक पार्ट के विषय में जानकारी देंगे आपको मेरे दोस्त। मेरे दोस्त इसके लिए क्या करना है, इसको हम निकाल दिए हैं, ये लॉक इसका निकाल दिया और ये और इसका पैड निकाल दिया। ठीक, फिर उसके बाद डिस्क ब्रेक का देखिए, इस पत्ती को हमने इधर निकाल के रख लिया और ये हम इस तरीके से इसका ये निकाल दिया। ठीक, हमको काम कहाँ करना है, इसमें काम करना है, इसको साफ़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको अब इसको हमें निकालना है। ठीक, इसको निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आउटर ट्रास जो उल्टा करके निकाला जाता है उससे, या इसको यानी अंदर कुछ भी कर सकते, बाहर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मेरे दोस्त देखिए, हमारे पास आउटर प्लास था नहीं इस समय, खराब सही आउटर प्लास था, हमने क्या किया इसको बांध करके ही ऐसे ही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ा धीरे धीरे करके निकल रहा है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे करके निकल आ रहा है। ठीक है, अब ये उधर से ऑयल कम होगा, इधर से हम ऑयल डाल देंगे और ये धीरे धीरे करके निकलता रहेगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऑयल कम हो गया, अभी और ऑयल डालते फिर देखते निकालते। मेरे दोस्त इसको चलाते चलाते देखिए, अब ये धीरे धीरे करके यानी इधर से चला रहे हैं और धीरे धीरे करके निकल रहा। ठीक, अब क्या होता है, अब ये अगर ज़्यादा प्रेसते हैं दिखाते हैं आपको। मेरे दोस्त देखिए, जितना वैसे निकला प्रेशर से निकल गया, फिर क्या किया गया, ऐसे इस तरीके से दो ट्यूबलर लगा करके और पेस्टर लगा करके, ठीक है, इसके बीच में डाल करके और फिर इसको तिरछा करके, यानी इसके बीच में पेचकस इस तरीके से तिरछा करके और फिर इसको ताकत लगा के देखिए मेरे दोस्त, यानी इस तरीके से निकला। ठीक है, अब आपको हम आगे साफ करके बताते हैं। मेरे दोस्त देखिए, इसको क्या करना है, इसको एक साइड से अपना पेचकस, ये लाइनर बोलते हैं और ये टेलीविज़न रिपेयरिंग की दुकान पर मिल जाता है, इसको हम अक्सर ज़रूर रखते हैं, हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े काम आते हैं, इसलिए हम इस पेचकस को ज़रूर रखते हैं अपने पास। ठीक, इस तरीके से इसको ये निकाल दिया। ठीक, और इसको हमको एरियल डाल के अच्छे साफ करना चाहेंगे। और इधर देखिए, इधर जैसे ये है, इसको पतला सा रिंग कर लिया या कोई तार टेढ़ा कर लिया, आपके पास पेचकस इस तरीके से चारों ओर इस साइड सब इसका कार्बन साफ करेंगे और दांत मारने बुरश से भी चारों ओर ऐसे साफ करेंगे। ठीक है, आपको फिर आगे दिखाते हैं। मेरे दोस्त क्या किया कि सरफ इसमें डाला और डाल करके देखिए पेचकस से इसके चारों ओर से जहाँ ओरिंग लगती है उसके अंदर यानी साफ़ करना। ठीक, और इसके साथ साथ हमको दांत मारने वाले जो बुरश है उस बुरश से भी यानी हमको वहीं पर चलाना है कि जहाँ पर यानी जो अंदर कार्बन जम जाता है रबड़ के नीचे। ठीक है, तो वो रबड़ के नीचे कार्बन ना जमे, जब वो नहीं जमेगा तो बिल्कुल यानी बिल्कुल जब कार्बन साफ़ हो जाएगा तो बिल्कुल रबड़ अच्छे से बैठती है और जितना पिस्टन आगे को जाता है उस तरीके से बाहर को आ जाता है, और ऐसे में क्या है कि वो जितना बाहर को जाता है अंदर फिर वापस नहीं आता। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से अब इसको हमने सरफ में थोड़ा सा गीला करके और इस तरीके साफ़ कर लिया, अब इसको थोड़ा सा पानी से साफ़ करके तब हम आपको बांधते फिर दिखाते हैं। इस रबड़ को हमको क्या करना है, गभी लगाना है, तो इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे, ठीक, इधर से हमको प्रेशर देना है धीरे से, तो मेरे दोस्त क्या करना है, ये हमको यानी ओरिंग लगाना है, ओरिंग में थोड़ा सा ये ब्रेक आयल हम थोड़ा सा नीचे डिब्बी में रख दिया। देखिए मेरे दोस्त,
यहाँ पर इसमें लगा करके इस तरीके से इसको ऐसे और इसी तरीके से इसको भी ऑयल डिप लगा करके ऑयल से गीला करके इसको भी पिस्टन जो है थोड़ा ये गड़बड़ है, अच्छा नहीं है क्योंकि इसका जो पॉलिश है वो उतर गई है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये चल जाए। नहीं चलेगा तो ये पिस्टन फिर नया पड़ेगा या तो ये पूरा असेंबली नया पड़ेगा कैलीपर। ठीक मेरे दोस्त, इसको लगाने का जो तरीका है मेरे दोस्त इसी तरीके है। और इसमें थोड़ा ऑयल भर करके तब हम चाहेंगे लगाएं तो ज़्यादा हमें परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया, अगर ऑयल भर देते हैं प्याज डाल दिया। ठीक, और उधर हमने उंगली लगा लिया है, यहाँ पर उंगली लगा लिया और इस तरीके से ऑयल बिना लीक करें और ये थोड़ा मुश्किल होता है। इन प्रयास करने से हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, अभी और हमको अंदर करना है, धीरे धीरे करके हम पेशकश के सहारे लगाएंगे क्योंकि अब ताकत नहीं लग रही है उनसे। अब मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसके सहारे ऐसे, लेकिन हम आपसे कहेंगे आप इसमें ऑयल जो है ना डालिएगा। ठीक, ऑयल हमने डाल दिया है पर आप लोग इसमें ऑयल बिल्कुल ना डालिएगा, और हमको आपको दिखाने था इसलिए हमने डाला। बाकी हमको जब सही करना होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है क्योंकि उसको प्रेशर बनाना पड़ता है, लेकिन दिखाना तो हमने कहा जल्दी हो जाए इसलिए ऑयल डाल दिया था। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे ऑयल ना डालिए क्योंकि ये प्रेशर भी मारता है, पिचकारी जैसा मारता जब पिस्टन अंदर जाता है। ठीक है, तो हमने आपको ये तरीका बताया और इसके साथ अब हम इसको इसमें बाइक में बांध करके तब कंप्लीट करके तब दिखाते हैं। मेरे दोस्त, इसको लगाने के लिए हल्का सा इसमें ग्रीस लगा लेते हैं कि बिल्कुल सही रहे, और हल्का सा बिल्कुल हल्का सा ग्रीस लगाते हैं यानी बिंदा तक फ्री रहे। ठीक है, और इसको इस तरीके से यानी ये लग गया। ठीक, अब इसमें हम इसमें पैड लगा लेते हैं। मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसको यानी यहाँ अंदर डाला और इसके अंदर सही से। ठीक, अब फिर ये इसके अंदर बुश लगाना है, तो बुश तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे, अब चाहेंगे भैया उधर से ठोक दो बस। ठीक, मेरे दोस्त इसका प्रेशर नहीं बन पा रहा था तो हमने इसका ये यानी मास्टर सिलेंडर खोल दिया। ठीक, अब इसको हमने थोड़ा सा पेचकस से इसको देखिए बाहर को निकालना है, थोड़ा बाहर को निकल आ रहा है। ठीक, हम निकल आ रहा तो यहाँ पर देखिए इसका बहुत ज़रा सा नोक प्लास से पकड़ते हैं हल्का सा। ठीक, बड़े हिसाब से काम करना पड़ता है, बहुत ज़रा सी नोक पकड़ा है बस। ठीक, देखिए, और इस तरीके से हम पूरा ना निकाल करके इतना निकाल करके और धीरे धीरे चलाना चाहिए। ठीक, ऐसे धीरे धीरे चलाएंगे और चाहेंगे प्रेशर बन जाए। मेरे दोस्त, हमने इसको क्या किया, बाहर निकाल करके अंदर कर दिया, उसके बाद इसका प्रेशर बन गया। देखिए उस साइड अब ब्रेक लगने लगा है। ठीक है, ब्रेक चला के दिखाओ भैया ज़रा। भैया मेरे दोस्त चल रहा, देखिए अभी पूरी तरह से प्रेशर नहीं बन रहा। ठीक है, इस तरीके से अब मेरे दोस्त क्या है, भैया चला के दिखाओ भैया ज़रा। देखिए मेरे दोस्त, ब्रेक छोड़िए, अब देखिए ये बिल्कुल फ्री हो गया। ठीक, लेकिन अभी ब्रेक कम लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम चाहेंगे थोड़ा सा एयर यहाँ से निकालते रहिए, निकाल दो तो फिर ये थोड़ा सा ब्रेक टाइट हो जाएगा हल्का सा। और देखिए अब खोल दिया, रुको, अब क्या होता है मेरे दोस्त, इसको
ब्रेक लगा करके, यानी अब टाइट करो भैया ब्रेक, इसका इधर ब्रेक लगा करके इस बोल्ट को टाइट कर दिया जाता है, यानी इससे एयर निकल जाए और फिर उसके बाद यानी उसमें प्रेशर फिर बन जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त अब ये समझ में आ गया होगा आपको, जितना हमने बताया उतना इस तरीके से करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका ये जब इसका ब्रेक का प्रेशर नहीं बनता इसको, तो आपको क्या करना है, आपको जब दो चार दस बार इसको प्रेस कर प्रेशर देते रहना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा एयर यानी ढीला करेंगे तो यहाँ से एयर निकल जाएगी, उसके बाद फिर ये यानी प्रेशर उसका यानी कि पैडल जो है वो टाइट हो जाएगा और ब्रेक बिल्कुल जैसे पहले लगता था वैसे फिर लगने लगेगा। चाहेंगे मेरे दोस्त, हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्त।